बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल वासिल और आप मेरा चैनल काशिफ फूड सेंटर देखते हैं। तो जी नहीं आने वाले तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है सुजुकी GS 150 की छोटी छोटी चीज़ों के प्राइस बताने के मुतालिक है कि इसकी क्लच केबल कितने की है, इस बाइक की रेस केबल कितने की है, इसका इशारा कितने का है। क्योंकि जो मेरे कुछ दोस्त हज़रात ने नई बाइक ली है उनको इसके रेट के मुतालिक बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस बाइक की रेस केबल से। सुजुकी GS 150 की जो ओरिजिनल रेस केबल है 220 रुपए की है, तो इसी तरह इसकी क्लच की केबल भी 220 रुपए की है। ऐसी मॉडल है, इसमें इन दो केबलों के अलावा और कोई केबल नहीं लगती। वैसे अगर आपकी दूसरी बाइक हो, दादी स्पोकिंग वाली बाइक हो, तो उसको ब्रेक की केबल भी होती है, वो तकरीबन 350 रुपये की है। तो इसी तरह इस बाइक का ये मीटर आप देख लें, ये सेम है इसके नए मॉडल में भी और पुराने मॉडल में भी। ये मीटर इसका इस वक्त तकरीबन 7500 रुपये का है। नॉर्मली अगर इसका मीटर ख़राब हो तो ये इसका मीटर रिपेयर भी हो जाता है। किसी भी मीटर वाले के पास जाएंगे तो ये मीटर इस बाइक का जो है वो रिपेयर हो जाता है। अगली चीज़ है जी, इसके ये साइड मिरर हैं सुजुकी GS 150 के। ऐसी मॉडल है, इसके साइड मिरर जो हैं थोड़े से महंगे हैं। ये तकरीबन 2000 रुपये का एक शीशा है। वैसे जो अब इनके स्पोक रिंग में आ रही है बाइक, उसका एक शीशा तकरीबन 1000 रुपये का है। GS 150 के जो डिस्क पैड हैं आगे, ये हैं जी तकरीबन ओरिजिनल 2000 रुपये के हैं। आफ्टर मार्केट आपको 500 से लेके 1000 रुपये की रेंज तक भी मिल जाते हैं। तो इसी तरह इसकी ये प्लेट है, ये आपको मार्केट से 1500 से स्टार्ट हो जाती है इसकी रेंज, और ओरिजिनल इसकी तकरीबन 5000 रुपये की प्लेट है। ये स्पोक रिम जो है, अब ये अलाई रिम, इसकी जो प्राइस है एक रिम की तकरीबन 25000 रुपया है। ये अब कंपनी नहीं भेज रही इसकी जगह, आम रिम भेज रही है, तारों वाले रिम भेज रही है, तो वो इससे काफ़ी सस्ते हैं। इसके अगले मड़गाड़ की कीमत जो है ये सुजुकी GS 150 SC मॉडल जो है इसका तकरीबन 3600 रुपये का है। तो अगर आपके पास शादी वाली बाइक है तो उसका मड़गाड़ जो है आपको तकरीबन 2500 रुपये में मिल जाएगा। और ये शॉक बूट जो हैं इस बाइक के जो ओरिजिनल है उनकी कीमत 2000 रुपये है, और मार्केट में ये शॉक बूट जो हैं 400 रुपये के भी अब आ चुके हुए हैं। सुजुकी GS 150 के जो ये पेट्रोल टैंक की जो कीमत है, ऐसी बाइक के जो पेट्रोल टैंक की कीमत है तकरीबन 9.5 से 10 हज़ार रुपये है। इसमें आप ब्लैक कलर में ले लें या रेड कलर में ले लें, अगर आपके पास सिंपल बाइक है तो उसके पेट्रोल टैंक की कीमत 11.5 हज़ार रुपया है। तो इसी तरह इसके साइड टापे हैं, ये साइड टापों की जो कीमत है जी 1700 रुपये का एक साइड टापा है इस बाइक का। ये इनकी चीज़ें थोड़ी सी महंगी हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इनके ऊपर कोई ना कोई लोक लाजमी लगाऊँ। बाइक की जो हेडलाइट है ये तकरीबन है जी 2800 रुपये की। हेडलाइट में इसकी ये पीछे वाली ये हांडी भी आती है। तो इसका जो एक इशारा है, इस इशारे की कीमत है जी 700 रुपये। ओरिजिनल इशारे की कीमत है, ओरिजिनल इशारे की क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है। मार्केट में जो है लोकल इशारा भी आ चुका हुआ है, वो तकरीबन आपको 400 से 500 की रेंज में मिल जाएगा। इन बाइकों की अगर शॉक सील भी लीक हो जाए तो एक शॉक सील अगर आप शोरूम से इसकी ओरिजिनल शॉक सील परचेज़ करते हैं तो वो तकरीबन आपको 1000 रुपये की मिलेगी। लेकिन मार्केट से आप इसकी नोक कंपनी में भी सील ले लें, वो आपको 250 रुपये में मिल जाएगी। इस बाइक के अगर रिंग पिस्टन का मसला हो तो इसका जो रिंग और पिस्टन है उसकी कीमत है जी 6000 रुपया, और इसके वॉल्व जो हैं वो तकरीबन 3 से 3500 रुपये की रेंज में हैं। और इसकी जो ओरिजिनल क्लच प्लेट है वो है जी 4500 रुपये की। प्रेशर प्लेट है इसकी 1800 रुपये की। अगर आपकी बाइक का सलफ ख़राब हो जाए तो सलफ इसका है जी तकरीबन 9500 रुपये का सुजुकी GS 150 का। वैसे मार्केट में लोकल सलफ भी आ चुका है, वो आपको 4000 रुपये में मिल जाएगा। इसके कारपेटर की जो कीमत है जी, अगर इसका कारपेटर ख़राब हो जाए तो वो तकरीबन है 25000 रुपये का सुजुकी GS 150 यूरो 2 मॉडल का। वैसे मैं यहाँ पर एक चाइना का कारपेटर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो तकरीबन है जी इसका 6500 रुपये का, और बड़ा ही बेहतरीन वो कारपेटर चलता है। तो इसके ये राइट साइड के टापे की कीमत भी
है जी 1700 रुपया। तो इसको मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इसको मैं लोक लाजमी लगाता हूँ, तो इसका ये देख सकते हैं कि मैंने 10 की नट पेज से इसको मैंने लोक किया है। तो इसकी जो बैटरी है जी 7 एम्पेयर की, इसकी 8 एम्पेयर की बैटरी होती है, पानी वाली बैटरी होती है, वो तकरीबन 4000 रुपये की है। वैसे आप ड्राई बैटरी भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 5000 से 6000 रुपये की रेंज में आपको अच्छी बैटरी मिल जाएगी। और इस बाइक की किक का जो रेट है, आजकल इनमें बड़ी कंप्लेन आ रही है, तो इसकी किक है जी 1300 रुपये की। इसमें जो इंजन ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं जी सुजुकी कंपनी का, वो तकरीबन 1330 रुपये का है। और सुजुकी बाइक में एक ऑयल फिल्टर भी होता है, इस जगह पर होता है, उस ऑयल फिल्टर की जो ओरिजिनल की कीमत है 680 रुपये है। ये रेट आज तक की डेट के हैं, आगे क्योंकि ये बाइक अब महंगी हो गई है तो इनके रेट जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो सलेंसर अगर आपकी बाइक का ख़राब हो जाए, वो भी तकरीबन 9000 रुपये का इसका ये सलेंसर है। इसका हारन जो है ओरिजिनल 950 रुपये का है जी। इसका ये हैंडल लॉक अगर आपकी बाइक का ख़राब हो गया है या ऊपर इग्निशन स्विच ख़राब हो गया है, इसमें 3 पीस लॉक सेट की जो ओरिजिनल की कीमत है तकरीबन 3200 रुपये है। आफ्टर मार्केट ये आपको 1500 रुपये तक भी मिल जाता है। इसके जी रियल ब्रेक शू की जो कीमत है 700 रुपये के इसके ब्रेक शू हैं। और इसके ये अगर अक्सर ये चैन की जस्ट भी ख़राब हो जाती है तो ये तकरीबन 150 रुपये की है। इसमें जो ड्रम रबड़ इस्तेमाल होते हैं वो ओरिजिनल 350 रुपये के हैं। और इसका पीछे वाला ये मड़गार्ड जो है सुजुकी GS150 का, ये 2500 रुपये का है। बैक लाइट का बहुत ज़्यादा मसला रहता है इस बाइक में, तो इसकी ओरिजिनल बैक लाइट, मुकम्मल बैक लाइट जो है वो तकरीबन 1450 रुपये की है। खाली अगर आप कवर लेते हैं वो 350 रुपये का है। और इसका ये पिछला कैरियर ओरिजिनल की कीमत तकरीबन 2500 रुपया है। ये भी इसकी अब इन्होंने क्वालिटी बहुत ज़्यादा हल्की कर दी है, तो नॉर्मली इसको जो है स्पोर्ट में वेल्डिंग करवा देता हूँ। तो इसी तरह इसकी ये अगर आपकी बाइक की टाइमिंग चेन ख़राब है तो उसकी कीमत है जी 5500 रुपया। इसका ये फ्यूल काक अगर आपका ख़राब हो गया है तो ओरिजिनल फ्यूल काक इसका तकरीबन 1200 रुपये का है। लोकल आप मार्केट से लेते हैं वो आपको 500 से 600 की रेंज में मिल जाएगा। तो इसके ये वराड़ी सेट की जो कीमत है ओरिजिनल इसका तकरीबन 5500 रुपये का है। आफ्टर मार्केट आप अगर कोई दूसरा लेते हैं वो आपको 3500 रुपये का भी मिल जाएगा। और 3000 से करें इसके वराड़ी सेट की प्राइस स्टार्ट हो जाता है। इसके ये फूटरस रबड़ की जो कीमत है ओरिजिनल इसका फूटरस रबड़ भी 100 रुपये का है। ये आगे वाला इसका अगर आपका पीछे वाला फूटरस है वो 350 रुपये का फूटरस है, वो आपका मुकम्मल ही चेंज होगा। और चैन कवर सुजुकी GS150 का तकरीबन 1400 रुपये का इसका चैन कवर है। और इस बाइक का अगर टायर ख़राब हो जाए आपकी बाइक का, तो इसमें आप कोई भी टायर डलवा सकते हैं, लेकिन ये टायर की जो कीमत है 5000 से स्टार्ट होती है इन टायरों की कीमत, क्योंकि ये अब आप 9918 की तरफ जाते हैं या 1918 की तरफ जाते हैं तो 5000 से स्टार्ट होता है। 5000 से 5500 रुपये आपको किसी भी कीमत में मिल सकता है। तो अगर आप इसमें ये इस तरह के फूटरस इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो ये भी कम से कम 2000 से इंस्टॉल होते हैं, कम से कम कीमत इनकी 2000 रुपये है। तो इसी तरह अगला ये सेफगार्ड है, ये भी तकरीबन 1200 से 1300 रुपये की रेंज में मिल जाता है। गेयर लीवर इस बाइक का है जी तकरीबन 1000 रुपये का। साइड स्टैंड भी इसका तकरीबन जो है 800 रुपये का है। इसका अगर आप सीट कवर भी करवाते हैं तो 600 से 700 रुपये का आपको इसका सीट कवर मार्केट से मिल जाता है। बाइक का ये क्लच लीवर या ब्रेक लीवर टूट जाता है तो अगर SC मॉडल है, पुराना मॉडल है, तो इसका ओरिजिनल लीवर 1800 रुपये का है। अगर स्पोक रिंग में आपकी बाइक है, सिंपल तारों वाली है, तो उसका जो क्लच लीवर या ब्रेक लीवर कोई भी ले लें वो आपको तकरीबन 200 से 250 रुपये में की रेंज में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें दिखाई हैं और उनके प्राइस बताए हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह।